आज हम बात करने वाले हैं आपके इतने भारी भरकम बैग के बारे में। आप अपने बैग में स्टार्टिंग से फर्स्ट से लेकर 12th तक, चाहे वो किसी भी ट्रेड के हो, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स हो, उन सब की बुक आप अपने बैग में लेकर जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आप ये सभी बुकें अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं। बस आपको करना होगा क्या, इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो आपको सिंपली अपने फ़ोन में किसी भी प्रकार का ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं इस वक्त क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ, उसमें सर्च करना है epathshala.nic.in। ये एजुकेशन की ऑफिशियल साइट है। ये जो आपको फर्स्ट लिंक नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ मोदी जी छपे मिलेंगे आपको, और दूसरी पिक्चर भी मिल सकती है। इसके अलावा सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो ऊपर रेड कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, ताकि आपका ये जो फ़ोन है वो डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाए। उसके बाद आपको डेस्कटॉप ओपन करना है। डेस्कटॉप ओपन करने के बाद जो आपकी स्क्रीन है वो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह दिखा देगी, जैसे कि आपको कंप्यूटर पर सब कुछ दिखाई देता है। वैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको एक प्ले स्टोर जैसा निशान मिल रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये आपको ले जाएगी सीधा प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर में इसकी ऑफिशियल ऐप है, सिंपली आपको इसको इंस्टॉल करना है। इस ऐप में आपकी हर क्लास की, फर्स्ट से लेकर 12th, इसकी NCERT की बुक और अदर कैटेगरी की भी बुक हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, उर्दू में, चार चार लैंग्वेज में अवेलेबल है। अभी इंस्टॉल हो चुकी है, अब हमें सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन होने के बाद सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि फ़ाइल के लिए अलाउ कर देना। आपको अलाउ करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन आएगा जिसमें इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीन लैंग्वेज है। आपकी जो लैंग्वेज हो आप सेलेक्ट कर लो, मैं फ़िलहाल इंग्लिश में सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट पे क्लिक करें, टीचर हो तो टीचर पे। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछ रहा है आपका नाम, सेकंड पे पूछेगा आपका स्कूल। तो सबसे पहले हम अपना नाम डाल देते हैं, जैसे मेरा नाम है निखिल, तो मैं निखिल यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपका स्कूल पूछ रहा है, तो स्कूल मैं ABB स्कूल लिख देता हूँ कुछ भी। उसके बाद अगर मुझे क्या चाहिए कि NCERT की बुक चाहिए मुझे, तो मैं NCERT पे क्लिक करे रहने देता हूँ। नेक्स्ट आपसे एक क्लास पूछ रहा है, तो आपको अपनी जो भी क्लास है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12th जो भी है, 11th है, 10th में है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ एक बार आपको बताने के लिए 10th क्लास पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद लैंग्वेज पूछ रहा है आपसे, बुक आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, राइट वाले इंसान पर क्लिक कर देता हूँ। राइट वाले इंसान पर क्लिक करने के बाद अभी आपसे पूछता है कि आपको ई बुक चाहिए या ऑडियो वीडियो चाहिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो पे क्लिक करो, मैं फिलहाल ई बुक पे क्लिक कर देता हूँ। ई बुक पे क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है आपको कौन सी बुक चाहिए, केमिस्ट्री की चाहिए, फिजिक्स की चाहिए, मैथ की चाहिए, आपको जो भी बुक चाहिए तो आप सिंपली उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एक बार आपको बताने के लिए, मेरा फेवरेट मैथ है तो मैं मैथ वाली बुक पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें दो पार्ट दिए हुए बुक के, तो आपको क्या करना है, सिंपली फर्स्ट पार्ट में क्लिक करता हूँ, फिर फर्स्ट पार्ट में स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं, फर्स्ट पार्ट क्लिक किया, उसके बाद फर्स्ट जो चैप्टर है उस पर क्लिक करता हूँ और डाउनलोड वाले इंसान पर क्लिक करके ओके कर देता हूँ। अब ये क्या हो रहा है, हमारी डाउनलोड हो रही है। डाउनलोडिंग होने के बाद इसमें क्या होगा, जो हमारे बुक के जो चैप्टर्स होते हैं स्टार्टिंग के वो शो होंगे। सिंपली आपको मेरे नाम के ऊपर जो लोगो शो हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे। अभी आपके पास ये बुक हमारी आ गई है, उसको क्लिक करेंगे तो आपकी बुक ओपन हो जाएगी। बुक ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे से अप की तरफ स्क्रॉल अप करेंगे तो हमारी बुक के जो पेजेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा इंटरफेस नहीं चाहिए तो इनेबल करने पर, जो अभी इनेबल किया है मैंने, इनेबल करने पर आपको बुक कुछ इस तरीके से दिखा देगा। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो न्यू पेज अपने आप आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।